हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आप जो मेरे स्क्रीन पे एक सीन देख रहे हैं वो है एक एप्लीकेशन का जिसको हम आज बनाने जा रहे हैं। और ये है एवेंजर्स जिस जो हमने टाइप करा है। अगर इसके जगह हमने आयरन मैन टाइप किया तो बेसिकली ये क्या करेगा, आयरन मैन के लिए रिजल्ट लेके आएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन जो कि IMDB की सर्विस कॉल कर रही है, वहां से जो हमने मूवी का नाम दिया उसको लाके आप डिस्प्ले कर रही है। इसको हम अभी जस्ट बनाने वाले हैं स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्ट से। और हम एंगुलर का कोडिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करेंगे, साथ में हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसको। दोस्तों अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड देख रहे हैं जिसमें कि एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है जो कि स्टार्टिंग है और अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यानी कि जो भी एंगुलर के कॉम्पोनेंट्स आते हैं बाई डिफॉल्ट वो दिख रही है और मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया है। सो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। हम शुरू से बनाने वाले हैं, स्क्रैच से बनाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने इसको रन किया है एप्लीकेशन जो कि टर्मिनल पे है। दोस्तों ये सेकेंड जो मैं अगर टर्मिनल देखूँ तो यहाँ पे मुझे एंगुलर की एप्लीकेशन दिख रही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं एक काम करूंगा, इसका डेवलपर टूल में जाऊंगा ताकि साथ साथ हम एरर को भी देख सके। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं एंगुलर के एचटीएमएल कंपोनेंट पे आऊंगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने से पहले मैं एक काम करूंगा, ये जो है एनजी होस्ट के अंदर थी वो काम की है अपनी, इसको यहाँ पे इसको कट करके हम रख सकते हैं सैस फाइल में। और हम जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं सैस फाइल, ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप देखेंगे हमारी स्क्रीन कंप्लीट एम्प्टी। हम इंडेक्स और डेस्टिनल में जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक काम करेंगे, हम पहले हम बूटस्ट्रैप का सीडीएन पे जाएंगे। सो बूटस्ट्रैप सीडीएन, ठीक है। यहाँ पे हम जो है जो भी मैं थ्री यूज करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों, ताकि अपने को ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत ना पड़े। सिंपल सा हमें एक लिंक कॉपी करना है और हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे जस्ट इसके नीचे। साथ ही साथ ये हम इन चीजों को हटा देंगे जो कि अपने काम का नहीं है, अपने यहाँ तक ही अपने काम का है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक रोबोटो मोनोफोन, रोबोटो फॉन्ट जो है उसका सीडीएन देखेंगे। यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ से हम जो करेंगे सीधा इसको कॉपी। और ये दोस्तों मेरा, मैंने ये सेलेक्ट किया है सेलेक्टेड स्टाइल 400, ये बेसिक सेलेक्ट कर दिया मैंने और मैंने इसको कॉपी किया। ये मैं पूरा ही कॉपी कर ले रहा हूँ और फिर मैं इसको एक नीचे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये होने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा और अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको अब कोई यूज़ नहीं, इसे हम प्रीफर करेंगे बीच में। सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये स्क्रीन अपनी पूरी ब्लैंक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, शुरू में अपने को क्या क्या कॉम्पोनेंट चाहिए वो क्रिएट कर लेंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और फिर मैं यहाँ पे जो है एक इसको क्लियर करूँगा। और फिर मैं यहाँ पे है, पहले तो अपने को क्या क्या चाहिए दोस्तों, हमने देखा था इनपुट, तो हम क्या करेंगे NGGC, और हमने एक इनपुट कंपोनेंट चाहिए तो हमने इनपुट के लिए एंटर किया है और ये एक नया इनपुट कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। उसके बाद हमें और चाहिए, हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जिसका नाम देते हैं लेट्स से कि सर्च डिटेल, जिसमें कि हम क्या सर्च कर रहे हो वो बताएंगे। जैसा कि हमने ये देखा, इसके जस्ट नीचे देखा था। और उसके बाद हमें एक और कंपोनेंट चाहिए होगा जो कि हम सर्च स्केलेटन दिखाएंगे, यानी कि जब सर्च हो रही है तो उसके स्केलेटन दिखाएंगे। और ये क्रिएट हो जाएगा जस्ट, उसके बाद हम और क्रिएट करेंगे। अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, ये चलता जाएगा। उसके बाद हम सर्च रिजल्ट, हमने हमारे पास टोटल डिटेल आ गई, स्केलेटन आ गई, और अभी इनपुट आई है। हमें चाहिए एक तो जो है सर्च रिजल्ट्स, क्योंकि हमें रिजल्ट्स भी दिखानी है। स्पेलिंग सही करते हैं, SEAR सर्च, जहाँ पे हमारी जो बॉक्स आप देख रहे थे रिजल्ट की वो फॉर्म होगी। और हम यहाँ पे सर्च रिजल्ट को एंटर करते हैं और ये नई कंपोनेंट क्रिएट कर देगी। उसके बाद एक और हमें चाहिए जो कि अगर लेट से रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उसको दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सा लिख देंगे नॉट फाउंड या सर्च, ताकि नॉट फाउंड एक जेनरिक नाम हो गया, सर्च नॉट फाउंड ऐसे दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे अपने सारे कंपोनेंट बन गए हैं। टोटल है इनपुट जो कि ऊपर में रहेगा, उसके जस्ट नीचे जो रहेगा अपना
जो भी आप टाइप करोगे इनपुट में, वहाँ वो दिखाएगा कि किस लिए आप क्या चीज़ आपने सर्च किया है, क्या चीज़ सर्च किया, सर्च डिटेल में जाएगा, सर्च अगर नहीं मिलता है तो नॉट फाउंड आएगा, सर्च रिजल्ट में क्या आएगा दोस्तों, जो भी हमने सर्च किया है उसके रिजल्ट सर्च में आएंगे, रिजल्ट में आएंगे, स्केलेटन जो स्केलेटन इफेक्ट के लिए है, तो उसको हमने सेपरेट किया, अब हम इसको बंद कर देते हैं, अब एक एक करके हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें कंटेनर चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हमें चाहिए होगा ऐप, हमें यहाँ पे एक चाहिए होगा रो, ठीक है, यहाँ पे चाहिए होगा कॉलम, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपना चाहिए होगा ऐप इनपुट। उसके बाद दोस्तों हम नीचे जाएंगे, इस रो के बाद एक और नीचे जाएंगे, दूसरा हमें चाहिए जो हमने सर्च किया वो क्या कीवर्ड है उसको दिखाने के लिए, कि जैसे कि आ रहा था सर्च फॉर दिस मूवी नेम, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक और रो बनाएंगे और उसके अंदर एक और कॉलम बनाएंगे, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐप डॉट सर्च, स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा फिर से, डिटेल, मैंने क्या डिटेल लिखा है, डिटेल। उसके बाद दोस्तों अब दूसरा आएगा हमारा जो कि एक रिजल्ट दिखाएगा, रिजल्ट के रिजल्ट, और इसको हम ग्रुप कर देंगे, तो बेसिकली जो रिजल्ट हमारा दोस्तों उसमें क्या आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि एक अपना जो रो है उसमें ही हम स्केलेटन दिखाएंगे और रिजल्ट दिखाएंगे। तो लेट से दोस्तों एक कॉलम है जिसमें कि हम ऐप सर्च, और उसके बाद दोस्तों हम क्या दिखाने वाले हैं, स्केलेटन, ठीक है, ये दिखाएंगे, और अपना एक और रो आएगा जिसमें कि हम दिखाएंगे डेफ यानी कि और एक कॉल, और इसमें हम दिखाने वाले हैं दूसरे कॉलम में दोस्तों, ये बिल्कुल हम एक रो ले लेते हैं, नई रो में जाएंगे, हम रो लिया हमने, और फिर हम यहाँ पे जो है कॉल एक कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे अपना जाएगा सर्च रिजल्ट्स, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर लेते सर्च नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट वे में हम क्या दिखा देंगे, ऐप सर्च नॉट फाउंड। दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये दोनों में इसको एक ही आने वाला है, इसलिए हम इसके साथ ही लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ये भी यहाँ पे भी दोनों में इसको एक ही आएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, इसको जस्ट इसके नीचे ला सकते हैं, क्योंकि जब ये रहेगा तो ये, यानी कि यहाँ पे ऐसा है कि जब ये चलेगी तो ये दोनों नहीं आएंगे, और ये जब ये चलेगी रिजल्ट आएगी तो नॉट फाउंड और स्केलेटन नहीं दिखेगा, यानी कि तीनों में से कोई एक ही दिखेगा, इसलिए हम इस डिफ का काम नहीं है, और दोस्तों इस कॉलम वाली डिव को हटा देते हैं और हम फॉर्मेट कर लेते हैं, तो हमारी ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गई है। एक ऐप इनपुट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सही है दोस्तों, इनपुट वर्क्स, सर्च डिटेल वर्क्स, सर्च स्केलेटन, ये और ये, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम आते हैं इनपुट वर्क पे जाकर, तो दोस्तों पहले इनपुट वर्क्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो कॉल है और ये जो रो है हम इसको कंप्लीट उठाते हैं और ऐप इनपुट पे ले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे, इसको हम जो है इसको कट कर हटा देंगे, यानी कि इसके अंदर जो है हम वहाँ पे ले जाते हैं, ये जो कॉलम है यहाँ पे दोस्तों हम सीधा क्या करते हैं, ऐप इनपुट, क्योंकि अपने कंप्लीट इनपुट के बाद पार्ट है, तो हम क्या करेंगे ऐप इनपुट पे गए और ये पेस्ट कर दिए, ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट इनपुट का हो गया। अब पहले इनपुट पे काम करते हैं, इनपुट में दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए तो एक इनपुट बॉक्स होगा जो कि हम फॉर्म कंट्रोल यानी कि बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ से हम जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर लेट्स से कंपोनेंट पे जब जाओगे आप, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे, यहाँ पे लेट्स से हमें अगर हम जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे फॉर्म चाहिए, आई गेस में से कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, टेबल कोड बटन इमेजेस फॉर्म्स, सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म्स है, और आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट बॉक्स है, और हम जो देख रहे हैं फॉर्म कंट्रोल्स है, तो हम यहाँ पे कोई भी इनपुट बॉक्स उठा लेंगे, बस इतनी सी बात है कि ध्यान ये रखना है कि उसका क्लास ये रहना चाहिए फॉर्म कंट्रोल, और दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ी सी हम इसको स्टाइलिंग दे देंगे, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको हम एक क्लास देते हैं थोड़ी सी सर्च, जो पहले देख लेते हैं दोस्तों ये आया कि नहीं, तो ये जो है पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन पे आया कि नहीं, और हाँ ये स्क्रीन पे आ चुकी है, थोड़ा सा इसको हमें सही करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले फॉर्म कंट्रोल के बाद जो है एक इसको एक काम करते हैं, इसको सर्च को हटाते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, पहले तो हमें जो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कैसा मतलब रिस्पॉन्सिव हमें एप्लीकेशन चाहिए, इसके लिए हमें उनकी पूरी क्लासेस यूज़ करनी पड़ेगी,
कॉल X12 यानी कि स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में कंप्लीट 12 कॉलम ऑक्यूपाई करे। ऐसे ही हम SM के लिए भी करेंगे 12, ऐसे ही हम MD के लिए भी करेंगे 8 चाहिए, ताकि उसके बाद हम बड़ी स्क्रीन जितनी होगी उतनी हम कम रखेंगे ताकि वो बीच में आए। और बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे, यानी कि जितना हमने नहीं यूज़ किया उसको हम इधर ऐड कर देते हैं ताकि वो बैलेंस कर लेता है। तो इस केस में हमने क्या किया, कॉल MD ऑफसेट 2 लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे MD का 8 लिखा है और हम चाहते हैं कि ये बीच में आए दोनों दोनों तरफ से। और हम कॉल LG ऑफसेट 2 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये नहीं हुआ क्योंकि एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया जो कि स्पेस नहीं देनी थी, सो ये डॉट यहाँ से लगाएंगे क्योंकि हम इसे चेन कर रहे हैं। और ये जैसे ही हम -2 लगाएंगे तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सर्च बॉक्स नाम की इनपुट बनाएंगे। पहले हम कंप्लीट इनपुट बॉक्स पर काम कर लेते हैं ताकि इस एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। ये इनपुट है और इसका जैसे हमने बात किया क्लास क्या रहेगा, फॉर्म कंट्रोल रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये बन गया रिस्पॉन्सिव, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये कंप्लीट में आता है, बड़ा करता हूँ तो बीच में आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको हमें सही हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों ये हो गया है। एक क्लास और अटैच कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं सर्च बॉक्स रख देते हैं और हाइफन हाइफन इनपुट रख देते हैं इनपुट। और यही क्लास हम जो है यहाँ पे बना देते हैं। जस्ट इसके ऊपर क्लास डॉट लगा देंगे क्योंकि अपनी क्लास है। यहाँ पे हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, 50 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा और स्पेस स्पेस काफ़ी होनी चाहिए। मार्जिन बॉटम दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद जो है हम इनपुट देते हैं, इनपुट को भी क्योंकि ये सैस यूज़ कर रहे हैं तो हम, ये हमारा पेरेंट है और इसके अंदर इनपुट है आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह से हमने स्कोपिंग कर दी है, यानी कि ये बाहर अगर कोई इनपुट है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि ये बाहर का इनपुट इस इनपुट को राइट नहीं करेगा। यानी कि अगर हम बाहर कोई इनपुट नाम से कुछ बनाते हैं तो ये हमारे उस सर्च बॉक्स के इनपुट को नहीं बनाएगा क्योंकि उसको स्कोप में नहीं आता। हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है रोबोटो लिख देते हैं, फॉन्ट फैमिली रोबोटो हो गई है हमारी। और हाइट दे देते हैं 55 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी क्योंकि अब इनपुट बॉक्स बड़ा है तो फॉन्ट भी हमारी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर हम अभी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन रिफ्रेश करके देखते हैं। ये अप्लाई नहीं हुआ, एक बार देखते हैं कि क्यों नहीं हुआ। सर्च बॉक्स इनपुट बॉक्स हमने किस पे दिया है, फॉर्म कंट्रोल इनपुट पे दिया है जो कि वर्क करनी चाहिए थी। देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। एक काम करते हैं, अपनी क्लास को चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने, हाँ मैंने जो सर्च बॉक्स इनपुट बॉक्स सर्च ये रखा है, सर्च बॉक्स इनपुट ये जो कि है हमारा, ये होना चाहिए था, सर्च बॉक्स होना चाहिए था क्योंकि हमें जो है ये मेन हमारा पेरेंट क्लास और इसके अंदर इनपुट आती है तो हम डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर रहे क्लास से, हम इसको इनपुट से टारगेट यानी कि इसका एलिमेंट नेम से यानी कि टाइप से टारगेट कर रहे हैं, यानी कि इनपुट इनपुट टैग से टारगेट कर रहे हैं, इसमें रखने का मतलब ये। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एक बार और ये देखेंगे दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये वर्क करना शुरू हो गया दोस्तों। एक बार इसको सही करने के लिए एक काम करते, यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट MD दिया उसको 4 करना पड़ेगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे और LG ये हमारी जो एक्टिव है 8, और दोस्तों ये जो है मे बी इसके कारण आ रही, इसको हमें सही हो जाएगा बाद में, पहले इसका ध्यान देते। ये दोस्तों जो है यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने जो लिखा है ऑफसेट लिखना था, जो मैंने ऑफसेट लिख दिया। और बेसिकली ये जो है होना चाहिए 2 होना चाहिए था और ये जो LG1 होनी चाहिए थी। और हम इतना ही स्पेस दोनों ओर से देना चाह रहे हैं। और अगर हम अभी रिफ्रेश करेंगे तो हमारा इतना एग्जैक्टली बीच में आ रहा है और इनपुट भी बढ़िया आ रही है। तो अपना इनपुट का काम हो गया दोस्तों। हम नेक्स्ट लाइन में बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट लाइन है यानी कि मेरा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, हम एक बार एक कॉम्पोनेंट पे जाकर देखते हैं रो पे दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो सर्च बार है इसको भी हम सही कर सकते हैं। काम करते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको हम बाहर कर देते हैं और इस वाली चीज़ को हम जो है
अंदर ले जाते हैं, यानी कि ऐप सर्च डिटेल के अंदर ले जाते हैं। अब ऐप सर्च डिटेल जो है मेरा ये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने पेस्ट किया और फिर हम यहाँ पे काम करते हैं। अभी के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, अभी के लिए हम लिख देते हैं इस पे, इसके बीच में लिख देते हैं सर्च रिजल्ट फॉर मूवी, या फिर कुछ दे देते हैं दोस्तों, अवतार लिख देते हैं दोस्तों। अभी आप देखोगे कि ये उधर जो है ये वो दिखेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कंटेंट प्रोजेक्शन किया है, इसको भी सही करना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे उसको यूटिलाइज करने के लिए जो भी उसके टैग के बीच में लिखा रहता है उसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, ng कंटेंट यूज करते हैं, जो कि कंटेंट प्रोजेक्शन का काम है। और आप देखो कि यहाँ पे सर्च रिजल्ट आना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर काम करते हैं, उससे पहले ये भी थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और इसमें हम इसको S3 टैग में मूव कर देते हैं, यानी कि S3 टैग में हम इसको ऐसे मूव कर दिए, यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं और इस पे और एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक और काम करेंगे दोस्तों, जो है कि इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ये सही आ रही है कि नहीं। हाँ अभी सही आ रही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, सर्च डिटेल हो गया अपना। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये स्केलेटन। सो बेसिकली दोस्तों हम स्केलेटन अभी बनाने वाले हैं, यानी कि ये इस पे हम काम करेंगे। तो दोस्तों ऐप जो स्केलेटन का पार्ट है, पहले तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये काम कैसे करता है और इसमें हम क्या दिखाने वाले। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो स्केलेटन है और ये जो स्केलेटन है और जो रिजल्ट हम दिखाने वाले हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखेगी, क्योंकि उसके ऊपर हम जो फेडिंग फेड आउट वाला जो स्केलेटन इफेक्ट है वो हम डाल रहे हैं। यानी कि हम उसके पहले एक बार स्केलेटन को डिजाइन करेंगे। तो हम उसके लिए काम करते हैं, पहले स्केलेटन वाले में जाते हैं। यहाँ पे जो है एक काम करेंगे, यहाँ पे वापस हमें वो करनी पड़ेगी, यानी कि X12 हमें चाहिए, SM4 यहाँ पे चाहिए, SM4 हो गए दोस्तों। यहाँ पे चाहिए हमें मिडिल स्क्रीन के लिए, मीडियम साइज स्क्रीन के लिए 4 चाहिए, यहाँ पे कॉल LG3 चाहिए। ये दोस्तों हम बस हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जो कार्ड है उसकी साइज कितनी चाहिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों हम एक काम करेंगे, एक क्लास बना देंगे डॉट कार्ड करके, और ये कार्ड जो है यहाँ पे रेंडर होगी। तो दोस्तों अभी के लिए तो कार्ड कुछ नहीं है, तो इसको एक क्लास हमें देनी पड़ेगी। और बेसिकली इसको देने के लिए हमें काम करते हैं, ये अपना कार्ड जो है दोनों जगह यूज होगा, एक तो स्केलेटन में भी होगा और दूसरा जो अपना रिजल्ट है उसमें भी होगा। तो एक काम करते हैं, उससे पहले हम जो स्केलेटन का चीजें हैं यानी क्लासेस और उसकी प्रॉपर्टीज जो भी कन्फिग्रेशन है हम स्टाइल डॉट सेशन में लिख लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम एक कार्ड बनानी होगी जो कि हमने वहाँ पे बनाया है, इसका विड्थ ले लेते हैं 200 पिक्सल, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। बॉक्स शेडो हम ले लेते हैं 0.5 पिक्सल चाहिए हमें, और 10 इसका ये, और 0, और इसका अभी के लिए हम ले लेते हैं 0.0.0, ऐसे देखते हैं अभी क्या आती है, मुझे नहीं पता। इस बॉक्स शेडो थोड़ा सा चेक करना मुश्किल रहेगा अभी, इसके लिए हमें हाइट देनी पड़ेगी कि विदाउट हाइट और एंटर नहीं होगी। तो मैक्स हाइट हमने दिया है यहाँ पे 290 पिक्सल, और मीन हाइट जो है 290 पिक्सल। अभी के लिए मैं वैल्यू दे देता हूँ इसको 0.0.0, और लास्ट में 0 ना दे के ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगा 0.5 देते हैं, यानी कि अपनी जो कलर बन गए कुछ ऐसे। और यहाँ पे जो है 3 0 है, उसके बाद 0.5, ये हमारी कार्ड बन गई है। अभी कुछ तो दिखनी चाहिए, हाँ अभी कार्ड दिख रही है दोस्तों, इसकी वैल्यू भी रेंडर हो रही है। ओके यहाँ पे दोस्तों ये जो है अभी ऐसा दिख रही है, लेकिन हम इसको सही करेंगे, एक एक चीज़ पे हम काम करेंगे। अभी पहले हमने सर्च रिजल्ट फॉर अवतार वाले यानी कि जो डिटेलिंग है उस पर काम किया, अभी हम कार्ड पे काम कर रहे हैं। अभी कार्ड में एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि इस कार्ड के ऊपर अगर स्केलेटन क्लास ऐड करें तो कुछ हो, यानी कि उस तरह का जो इफेक्ट है दिखने को मिले। यानी कि हम एक बार पहले स्केलेटन जो है अपने ऐड कर लेते हैं, SKELETON, स्केलेटन स्पेलिंग सही होनी चाहिए, गलत भी हो तो वहाँ पे गलती लिखना पड़ेगा। यहाँ पे काम कर लेते हैं दोस्तों, हम एक काम करेंगे डॉट स्केलेटन एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर देते हैं यानी बना देते हैं, और एनिमेशन देते हैं। यहाँ पे अभी के लिए मैं टेम्प नाम दे देता हूँ, टेम्प कुछ भी नाम रहेगा,
जिसका 1 सेकेंड उसका ये रहेगी टाइम फ्रेम रहेगा, और लीनियर चलेगी और ये इनफाइनाइट चलेगा जब तक हम अपने मन से इसको हाइड शो करेंगे, और ये अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अभी टेम्प के जगह काम करते दोस्तों, अभी के लिए हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से कि अभी हम एक एनिमेशन बनाने वाले हैं, इसके लिए तो हमने की फ्रेम जो है दोस्तों ऑलरेडी आ रही है, यहाँ पे आइडेंटिफायर देना है जो कि हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए दे देते हैं स्केलेटन लोडिंग, क्योंकि अपने स्केलेटन जब लोड होगी तो ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पे क्लास डॉट नहीं लगानी क्योंकि हम आइडेंटिफायर यानी कि एक वेरिएबल को कंफिगर कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे जब अपने 0% हो यानी कि जब कुछ भी ना हो, तो जो अपनी उसकी जो ये रहनी चाहिए इसके कलर हम दे देंगे 200, अभी के लिए 20% दे देते हैं, 80% दे देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जब इसकी 3 कलर होगी उसके बाद एक जब ये 100% पे हो तो हमें कैसा चाहिए, जैसा कि आपको पता है बैकग्राउंड कलर ये वापस लेगा और सेम 3 वैल्यू देंगी जिस पे हम उसका ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। अभी के लिए हम जो वैल्यू है ये अपनी ह्यू इतनी रहेगी, 20% ही रहेगा, और लेकिन ये जो हम चाहते हैं ना लाइटनेस वो कम और ज़्यादा चाहते हैं, तो आपके हिसाब से आप दे सकते हो। मैं 95% दे रहा हूँ और मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब जब आप इसको रिप्लेस कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आना शुरू हो गया है, और बेसिकली आप लाइट जो 95% से मैं 80 से 95% ये अल्टरनेट चल रही है और इनफाइनाइट चलेगी दोस्तों। तो ये हो गया मेरा कार्ड का स्केलेटन इफेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक काम करते हैं अभी के लिए स्केलेटन का हो गया, इस पे हम एक काम करेंगे, काफ़ी नीचे दिख रहा है एक दूसरे से, उसको ठीक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस पे कुछ क्लासेस ऐड करेंगे। लेट्स से अगर मैंने कुछ क्लासेस ऐड कर दिया जिसका पैडिंग वेडिंग इसको अप्लाई करना सही रहेगा मेरे ख्याल से, ताकि ये जो है उस पे स्पेस आ जाए। तो एक काम करते हैं, पहले हम स्टाइल सीएसएस में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे पैडिंग जो है पैडिंग दे देते हैं, कुछ क्लास मिलता जुलता नाम दे देते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप और बॉटम भी देने वाला हूँ, और कितना देने वाला हूँ ये भी लिख देता हूँ ताकि देख के पता चले कि कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 7, ठीक है, तो हाफ ऑफ डिवाइड कर देते हैं, मैं टोटल 15 देने वाला हूँ ऊपर नीचे, तो 7.5 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। वैसे यहाँ पे पैडिंग जो है टॉप रहेगा इस नाम के हिसाब से, और पैडिंग बॉटम रहेगा, यहाँ पे भी 7.5 रहेगा और ये पिक्सल रहेगा। अब ये क्लास मैं कॉपी करूँगा और स्पेस बनाने के लिए दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा बिल्कुल इसके बाद, मैं चाहता हूँ इस रो के बाद आए। अभी स्पेस दिख जाएगी दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आके, ये और भी दिखेगी 7-7 ऊपर नीचे, ये तब दिखेगा ज़्यादा जब ये एक साथ हम मल्टीपल दिखाएंगे। इसके लिए हम एक काम करते हैं दोस्तों, अभी के लिए हम स्केलेटन जो है इसके ऊपर जो है एक लूप लगा देते हैं ताकि अपने को ज़्यादा दिखे और देखने में थोड़ा अच्छा लगे। लेट से मैंने लिखा LM ऑफ, यहाँ पे दे देते हैं कुछ 1,2, अभी के लिए टेम्प्रेरी दे देते हैं 3, 4, 5, अभी के लिए हम 5 दिखाते हैं, और अब इसको फॉर्मेट कर देते हैं, इसको चाहिए नहीं कुछ, अपना ये एरे रहेगा और आप देखोगे कि एक के बाद एक आ रही है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो है यहाँ पे कार्ड है कि एक के अंदर, मतलब कि एक कॉलम के अंदर रिपीट कर रही है, बट हमें यहाँ पे करना चाहिए ताकि हमारा कॉलम रिपीट हो, ये कार्ड रिपीट ना हो। जब कार्ड रिपीट कॉलम रिपीट होगा तो अपनी कार्ड भी रिपीट होगी और उतने बार ही चलेगा। तो अभी के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर मैं इसको करूँ तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, एक के नीचे एक आता है, और ये देखिए अकॉर्डिंग टू जो साइज है ये ज़्यादा कम हो रहा है, तो यानी ये सही काम कर रही है। और अब इसके बाद थोड़ा एक काम करते हैं, ये इसका काम हो चुका है स्केलेटन का, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी कि अभी जो है हम चाहते हैं कि स्केलेटन का पार्ट हो गया, और लेट्स से कि अगर कुछ ना दिखे तो हमें क्या रहनी चाहिए वो भी कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर कुछ ना दिखे तो हम चाहते हैं कि अपना जो है नॉट फाउंड है, ठीक है, अगर रिजल्ट कुछ ना है तो उसको भी बना लेते हैं, एक एक करके नीचे चल रहे क्योंकि स्केलेटन का काम हो गया। रिजल्ट का काम इसके बाद करेंगे, वो भी स्केलेटन जैसा ही है, ये थोड़ा अलग था इसलिए पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम चाहिए क्या, कॉल डॉट एक्स एस 12, कॉल एस एम 12, कॉल एम डी 10 चाहिए, कॉल एल जी 10 चाहिए, और यहाँ पे कॉल एम डी ऑफसेट
ऑफसेट आप अपने हिसाब से दे सकते हो जैसा आपको अलाइनमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं ऑफसेट 2 दे रहा हूँ और इसके बाद मैं चाहता हूँ साथ ही साथ ये हो जाए ऐसे, और इसके साथ मैं जो पैडिंग टॉप बॉटम से मैं भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में स्पेस चाहिए। सो दोस्तों अभी के लिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बीच में जो कंटेंट आएगा हम चाहते हैं कहाँ से आए, वो हम चाहते हैं कि जो एचटीएमएल है ऐप कंपोनेंट का यहाँ से हम पास करें, यानी कि जो नॉट रिजल्ट है जो हम यहाँ से पास करें और वहाँ पे अपना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके जस्ट नीचे हम एक S3 क्लास बनाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नो डेटा अवेलेबल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लीज कॉमा देख के प्लीज सर्च अगेन कुछ दे देते हैं, और ये दोस्तों अपना बन गया। इसके साथ एक क्लास भी अटैच कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इसका जो लुक एंड फील है वो चेंज हो जाए। बेसिकली लुक एंड फील जो है सही है S3 अगर आप देखोगे तो, इस पर कुछ दिक्कत नहीं है और अभी दिखेगी भी नहीं क्योंकि हमें आपको पता है इसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करना है। जाहिर सी बात है यूटिलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे ng कंटेंट लिखनी पड़ेगी। इसके नीचे ऐप सर्च फाउंड कहाँ गया अपना, ये जो ऐप सर्च फाउंड है यहाँ पे ऑलरेडी टैग के बीच में डेटा पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे ng कंटेंट लिखनी पड़ेगी, और जैसे ही हम ng कंटेंट लिखेंगे ये काम करना शुरू कर देगा। ये चीज़ ये कब रेंडर होगी, जब अपना डेटा नहीं आएगा। हम क्या करेंगे अभी स्टाइल डॉट सी एस में जाएंगे और यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे वो क्लास ऐड कर देते हैं नो डेटा फाउंड वाली, और यहाँ पे जो है कलर दे देते हैं अभी के लिए कुछ भी रैंडम दे देते हैं। मैं दूंगा 96 96 96, ये रैंडम कलर दे दिया मैंने, और फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे 7 पॉइंट, फॉन्ट साइज तो 7 मैंने फॉन्ट साइज डायरेक्ट देते हैं 20 दे देते हैं अभी के लिए। और फिर हम क्या करेंगे इस क्लास को वहाँ अगर अटैच नहीं है तो अटैच कर देंगे, जाहिर सी बात अटैच किए होंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अपना क्लास अटैच कर देते हैं क्योंकि मैंने किया नहीं था। उसके बाद जो इफेक्ट दिखनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा अलग नहीं दिख रहा लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो सही दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट बॉक्स रेडी हो गया और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे कुछ सर्च करें तो अपना रिप्लेस हो जाए, जो कि अपना ऐप सर्च ये वाली डिटेल वाली कॉम्पोनेंट है ये वाली, और ये अपना स्केलेटन है, और यहाँ पे जो आएगी सर्च रिजल्ट वर्क अपने वो काम करना है। ये भी दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब यहाँ पे अपने को रिजल्ट आएगी, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एम्प्टी है, और ऐप कॉम्पोनेंट पे जाएंगे तो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉम्पोनेंट का कॉल किया है और उस पर भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यानी कि इसको हमने अलग अलग रखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आपको इसको कुछ अगर रखना है तो इसको अगर अलग रखना है यहाँ पे दोस्तों हम सर्च रिजल्ट का ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी जो क्लासेस है चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस के लिए उसको ऐड कर देते हैं, कॉल SM4 चाहिए अपने को, जितना कार्ड हमने स्केलेटन के लिए रखा है उतना ही रखेंगे, कॉल LG3, और उसके बाद ये हो जाएगी साथ ही साथ वो पैडिंग वाली क्लास जो ऑटोमेटिक आ जाएगी ये भी अटैच कर देते हैं। और फिर यहाँ पे भी सेम रहेगा अपना जो कार्ड रहेगा ये रहेंगी, और इसके साथ क्लियर फिक्स भी ऐड कर देते हैं ताकि अपनी जो पैडिंग है उसके आसपास सही आए। एक काम करेंगे दोस्तों, ये जो है हम एक यहाँ पे अपनी इमेज रहेगी लेकिन अभी हमारी इमेज नहीं आएगी, तो एक काम करते हैं अभी के लिए हम यहाँ पे टेम्प्रोरी कुछ इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे लेट से मैं अवतार सर्च कर एवेंजर सर्च करता हूँ, इमेजेस हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाता है, और ये हमारी फेवरेट मूवी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सब देख रहे हैं ऐसे इनको, कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके बाद जब हम गिटहब से IMDb से लाएंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे। अभी के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो दोस्तों ये दिखना शुरू हो गया, और जाहिर सी बात है इसका जो है हाइट और ये काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि इस पे जो है हमें लगता है बेसिकली ऐसे यहाँ पे हमें इमेज को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड तो सही चल रही है क्योंकि इस कार्ड में तो कुछ है नहीं, तो ये अपनी हाइट एंड विथ मिनिमम जो हमने देख रखा है मैक्स उतने के हिसाब से जाएगी। ये काम करते हैं पहले इसकी हाइट फिक्स कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे इमेज को इस यहाँ पे जो है मैक्स कितना देना है दे दीजिए आप 100%, क्योंकि हम चाहते हैं कंप्लीट जितना स्पेस है उतने में ऑक्यूपाई हो जाए, जितना मतलब फैल जाए अच्छे से। ये भी यहाँ पे विथ ऑटो है, जितना विथ है वो ले लो अपने हिसाब से और हाइट भी अपने हिसाब से ले लो, लेकिन हाँ
मैक साइड और वे तुम्हारा 100% ही रेंज है, यानी कि जितना है तुम उतना 100 लो और उसके हिसाब से और एरिया तुम कंप्लीट 100% ऑक्यूपाई करो जो कार्ड का, और अपना विथ राइट उसके हिसाब से एडजस्ट करो, हमने ये लिखा है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये एक्चुअली हो चुका है और ये काम कर रहा है। यहाँ पे हम अभी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा है, अभी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो एक एरे बना लेते हैं जिसमें कि अपना डेटा रखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, SEARCH सर्च, और मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है इसलिए टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है अभी हम क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पे सीधा लिख देंगे। अभी के लिए हम इसको ले लेते हैं 1,2,3, एक ही इमेज बार बार दिखेगा, मुझे पता है आप बोलोगे कि बेकूफ बना रहे हो, लेकिन अभी के लिए बना रहा हूँ और बना भी नहीं रहा, ऐसे ही दिखना चाहिए। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, NGF नहीं चलाइए, NG4 चलाइए भाई। सो NG4 चलाएंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे विल लेट लेट से मूवी आने वाली है ऑफ, यहाँ पे एक काम करते हैं मूवी एरे दे देते, मूवी एरे या फिर मूवीज कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, मूवीज इससे रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि अपने को टाइपस्क्रिप्ट में भी सेम क्लास चाहिए। तो अभी हम देखेंगे तो ये एरर फिक्स हो जाएगा, रिप्लेस होके ये जो है एक ही दिख रहा है, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने NG4 लगाया, लेट मूव ऑफ ये, और इसके अंदर ये आ रही है तो इमेज हाँ दिख के रिफ्रेश नहीं हुआ था, ओके। सो इतनी दिख रही है। तो अपना अभी कैसा है, अभी अपने को तीन चीज दिख रही है, एक स्केलेटन इफेक्ट, उसका रिजल्ट जब डेटा IMDb से आएगा, और फिर नो डेटा अवेलेबल जब मूवी मैच नहीं करेगी। यहाँ पे जो है लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, इसको हम कंडीशन से एक के बाद एक कोई एक ही इसमें से रेंडर करेंगे तीनों में से। तो ऐप सर्च स्केलेटन ये दिख रही है, ऐप रिजल्ट दिख रहा है, सर्च रिजल्ट, ऐप सर्च नॉट फाउंड दिख रहा है, और यहाँ पे ऐप सर्च सॉरी ये दिख रही है रिजल्ट और नॉट फाउंड दिख रही है, जो कि हमने NG कंटेंट से वहाँ प्रोजेक्ट किया है। तो ये अपना काम हो गया बेसिक दोस्तों, अभी हमारा काम सिर्फ ये इसको फंक्शनिंग करना है। तो फंक्शनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, आपको IMDb डेवलपर API चाहिए, सर्च करिए और यहाँ पे डेवलपर के वाले टूल पे जाइए, सॉरी पोर्टल पे जाइए, और यहाँ पे आपको जो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, गेटिंग स्टार्टेड है, कॉन्टेक्ट अस है, आप पीछे जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं मिला। काम करेंगे हम IMDb, यहाँ पे हमें यहाँ पे IMDb API चाहिए दोस्तों। सो एक काम करते हैं, IMDb API फ्री तो मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ पे IMDb API अगर टाइप करते हैं तो फिर यही आ रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ से जाएंगे और यहाँ से कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना मैंने बना लिया, तो मैंने इस नाम से बनाया, और यहाँ पे जो है API कॉल्स इसके बारे में दी गई है कि अभी मेरा प्लान फ्री है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी हमें क्या करनी है दोस्तों, सर्च एक्सप्रेशन यूज करना है। अभी बहुत सारे APIs है, मैं इसमें से एक ही यूज कर रहा हूँ जो मूवी की लिस्ट लाती है। मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड फॉर सर्चिंग मूवीज, मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे जो है API मुझे मिल जा रही है, मैं इसको क्या करूंगा कॉपी करूंगा। उससे पहले दोस्तों आप देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, API की चाहिए, API की कहाँ से लेनी है दोस्तों, पहले तो API की के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और कहीं से तो मिलनी चाहिए थी, डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, और यहाँ पे जब हम जाएंगे दोस्तों तो API कॉल प्रोफाइल पब्लिक API की, और दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करने को बोल रहा है, क्रिएट तो करने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है। प्रोफाइल पे आपको जाना है, प्रोफाइल हाँ प्रोफाइल पे यहाँ जाना है, आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको ये कॉपी करनी है API की, आपको बस यही चाहिए था, ये चाहिए था। पहले तो एक काम करते हैं, हम इन्वायरमेंट में जाते हैं इसका जल्दी से, और यहाँ पे कॉन्स बना लेते हैं इन्वायरमेंट, यहाँ पे जाएंगे हम। अरे जा भाई, ये फालतू चीज़ों को मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे जो चाहिए यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ API की, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें चाहिए एंड पॉइंट उसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एंड पॉइंट का स्पेलिंग सही लिखने के बाद जब हल्की सी हंसी आएगी चेहरे पे, तो एक काम करेंगे वापस बैक जाएंगे, जो हमने API देखी थी मिल जाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ मिल जाना चाहिए। यहाँ पे मूवीज दिख रही है, मैं क्या करूँगा इसको कॉपी करूँगा सीधा, दो दो कॉपी हो रही है, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश, लेकिन उसको मैं हटाऊंगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा इसको बस ये अपनी API सही है, बस आपको क्या करना है ये जो अपनी ये दिख रही है अपनी, इसको API को रिप्लेस करनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फीचर, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं,
यहाँ पे। और ये जो दिख रही है, पहले तो अपनी एपीआई को रिप्लेस करेंगे, यानी कि अपनी जो वेरिएबल आने वाली है यहाँ पे आएगी डायनेमिक वेरिएबल। यहाँ पे क्या एपीआई लिखा जाए भाई, एपीआई की, यानी कि यहाँ पे एपीआई। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंसेप्शन है इसको हम हटाएंगे यहाँ पे इंसेप्शन को, क्योंकि अपना हम यहाँ पे डायनेमिक पास करने वाले हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ देंगे, हम बाद में ऐड करेंगे। अभी के लिए अपनी एपीआई बन गई है और ये सही भी काम करेगी, हमें बस एंड पॉइंट चाहिए, हमने एपीआई की भी रख ली है। अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसका भी काम हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे, पहले हमें एपीआई के लिए क्या चाहिए, कॉल करने के लिए एंगुलर हमें क्या प्रोवाइड करता है सबको पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्म पर, हमें जो चाहिए ऐप राउटिंग इम्पोर्ट्स के बाद जो चाहिए हमें, क्या नाम है, HTTP क्लाइंट आई राउटिंग मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट चाहिए राउटिंग मॉड्यूल के बाद लिख देते हैं। अभी HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट होगा कि नहीं, हो चुका है, अगर नहीं होता है तो हमें एंगुलर के कॉमन से इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले कॉमन नहीं था, डायरेक्ट HTTP आती थी, तो उन्होंने इसको कॉमन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो HTTP क्लाइंट आ गई है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे हम सब चीज कर रहे हैं, एक बेसिकली काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन इनिट, और उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जैसा अपने को जरूरत होगा सर्विस इंजेक्ट करने के लिए, और तब तक एक काम करते हैं सर्विस भी बना लेते हैं, HTTP सर्विस, NGGS HTTP सर्विस, ठीक है दोस्तों। HTTP अगर लिखोगे तो सर्विस ऑलरेडी बन जाएगा। यहाँ पे अपने को जाहिर सी बात है कि जब हमने ये सब अगर क्या बोलते हैं इसको, अगर हमने इन सब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है कि इनको हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और इसको पूरा करना पड़ता है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर तुमने इम्प्लीमेंट किया तो ये भी बनाओ, और तुम्हारे में मेथड होनी चाहिए, वरना हम एरर थ्रो करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे उससे पहले अपने खुद से बना देंगे। तो दोस्तों अब सबसे पहले चलते हैं HTTP सर्विस में, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमने जस्ट इंपोर्ट किया है एक, अभी आपको याद होगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, तो हमें यहाँ पे HTTP क्लाइंट चाहिए, तो हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे HTTP क्लाइंट, और फिर हम यहाँ पे एक सर्विस बनाते हैं, जैसे आप अभी के लिए नाम दे दो कुछ भी, पेज मूविस दे दो, जो कि इसका रिटर्न क्या करेगा, ऑब्जर्वल करेगा, आ रहा है सब चीज़ लेकिन रॉन्ग ही दे रहा है, और ये रिटर्न करेगा ऑब्जर्वल, और अभी के लिए मैं नहीं पता किस तरह का डेटा आने वाला है, सो एनी कर देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्वल इम्पोर्ट किया है दोस्तों, तो फिर इसको रिटर्न ही देना पड़ेगा, अभी के लिए हम अभी रहने देते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सर्च, और उसके बाद ये अपना सर्च क्या आएगा, स्ट्रिंग टाइप का, ये बेसिकली दोस्तों रिटर्न करेगा एक ऑब्जर्वल जो कि HTTP टाइप का होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा गेट जो है एनी टाइप का होगा, और भेज तो हमें स्ट्रिंग रहे ऐसे, और आने वाला जो नहीं पता, तो इन्वायरमेंट डॉट अपना क्या आएगा दोस्तों, डॉट प्रोडक्शन आ रही है, काम करते हैं, हमने क्या किया है, इसकी इन्वायरमेंट फाइल में जाते हैं और सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है ये इसमें फॉल्स रहता है इसमें, लेकिन इसमें ट्रू रहता है, तो हम सिर्फ इसको ट्रू कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ताकि अपने को इम्पोर्ट में जो है एंड पॉइंट सही मिले। यहाँ पे जो है अभी हम इन्वायरमेंट लिखेंगे, और जैसे डॉट लिखेंगे अपने को एंड पॉइंट मिलना शुरू हो गया, प्लस हम जो भी सर्च रिजल्ट आ रही है वहाँ से, रिजल्ट नहीं सर्च क्वेरी आ रही है, उसको पास कर देंगे। सो ये अपना फेच मूवी रेडी हो गया, फेच मूवी फंक्शन मतलब रेडी हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इसको यूज़ करेंगे, बट इसको यूज़ करने से पहले हमें किस पे काम करना पड़ेगा, इस इनपुट पे, राइट, यानी कि इस इनपुट पे जब भी हम टाइप करेंगे तो उसको वर्क करना चाहिए और उसको एपीआई को पास करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अपना जो कंपोनेंट है कैसा है, सब अलग अलग है, ऐप इनपुट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐप सर्च डिटेल यहाँ पे है, ये तो है ठीक है, यहाँ पे जो है एक ही के अंदर, हमारा एक ही रो के अंदर, कॉलम के अंदर अपना, यहाँ पे दो रो हो गया दोस्तों, इसको हम हटाएंगे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश फिर से कर दिया मैंने, यहाँ पे रो हटाऊंगा और फिर एक बार फॉर्मेट, और फिर सही हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ऐप सर्च स्केलेटन है इसको बेसिकली डेटा क्या चाहिए, स्केलेटन रेंडर कर, मतलब ये तो ऑलरेडी रेंडर कर रहा है, हम इसको एक काम करते हैं, इसको करना है नहीं करना वो भी बताएंगे, तो अभी के लिए काम करते हैं, इसको बताते हैं कि तुम्हें कितना रेंडर, अभी के लिए इसको फिक्स रखते हो, बाद में करते हैं एक काम, उसके बाद दोस्तों तो उसको भी इस पे काम कर लेते हैं, एक काम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं पहले कि हमें कितना स्केलेटन दिखानी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्केलेटन अरे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल मैंने नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कह दिया अरे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक है,
अब मैं एरे स्केलेटन जो है यहाँ पे कितना देना हम यहाँ से पास करेंगे, और ये क्या करेगा दोस्तों, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ से जाएगा, ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी बाइंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दे दो दोस्तों स्केलेटन, सेम ही प्रिंट कर दो स्केलेटन एरे, जो कि हम यहाँ पे स्केलेटन एरे पास कर रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट से। अब ये स्केलेटन स्केलेटन्स इसको काम कर देते हैं, स्केलेटन्स लिख देते हैं दोस्तों ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो है इस ऐप इस कंपोनेंट का पार्ट है, यानी कि ये एज इनपुट बनेगा। तो हम ऐप स्केलेटन में जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एट द रेट इनपुट बनाएंगे, और ये आएगा बाहर से ऐप स्केलेटन, ये जो रहेगा अपना एनी रहेगा और एरे रहेगा, बेसिकली हम एक ब्लैंक एरे से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बन गया, अब ये स्केलेटन जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों अभी के लिए, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये अपना वहां से आएगी, और ये एलिमेंट एंटर होके अभी के लिए वर्क करेगा, हाँ कर रहा है। और यहाँ पे इसका काम हो गया, कस्टमाइज कर दिया हमने, अब ऐप कंपोनेंट से उसको हम जितना पास करेंगे उतना रेंडर करेगा। अब आ जाते हैं ये इसको अपने, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैटिक है। अभी आ जाते हैं हम ऐप इनपुट पे, जो सबसे अपना मेन है। ऐप इनपुट पे हम आ गए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये काम करना पड़ेगा, जैसे ये इनपुट टाइप हम टाइप कर रहे और हमें इसका डेटा कैप्चर करना है, और हमें इस इनपुट से यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को भेजना है, यानी कि ये जो डेटा है अपना, ये जो कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट इसको बताएगा, ऐप इनपुट ऐप कंपोनेंट को बताएगा कि उसने क्या सर्च किया है, और ये ऐप कंपोनेंट एपीआई कॉल करेगा और इसको पास करेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि एपीआई कॉल और जो भी लॉजिक हैंडलिंग है ऐप कंपोनेंट कर रहा है, बेसिकली स्मॉल लॉजिक हैंडलिंग है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ऐप सर्च रिजल्ट बस डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो अब काम करते हैं, इससे पहले हम ऐप इनपुट पे काम करना सही रहेगा दोस्तों, तो एक काम करेंगे, इससे बेटर ये रहेगा कि ऐप कंपोनेंट का काम बस इतना हो कि जो भी हम इनपुट टाइप करें वो बस ऐप कंपोनेंट को दे दे और कुछ हैंडल ना करे। इसके लिए एक काम करेंगे, हम इससे यहाँ डेटा भेजने वाले हैं ऐप कंपोनेंट, तो एक ऑब्जर्वेबल हम बना लेते हैं जो सब्जेक्ट रहेगा टाइप, यानी कि हम जाएंगे एचटीटीपी सर्विस में, और यहाँ पे जो है अपना एक सर्विस बनेगी, मतलब सर्विस बनी हुई है जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि ताकि हम एक ही सब्जेक्ट शेयर करेंगे, एक पब्लिक टाइप का है, ये बना लेते की अप, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू सब्जेक्ट, और ये जो अपना है अभी के लिए एनी रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, और हम की अप यूज करेंगे यहाँ पे दे देते की अप सब्जेक्ट, ताकि अपना नाम क्लियर हो जाए और हम ये यूज करने वाले हैं। सो अपना की अप सब्जेक्ट है, हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली जब ऐप इनपुट कंपोनेंट जो है यहाँ पे अगर कुछ टाइप करे तो ये एमिट करना चाहिए, यानी कि ये डेटा भेजना चाहिए इसको ऐप कंपोनेंट को, तो बेसिकली यहाँ पे ही हमें कुछ करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड अटैच कर देते जो कि एंगुलर का अपना है की अप, ठीक है। जैसे ही हमारा की अप यानी टाइप करके हम जैसे ही हटेंगे तब कुछ हो जाए, उसके लिए काम करते हैं इसी बेस पे, इसी चीज पे हम ऑब्जर्वेबल को डेटा भेजेंगे, ऑब्जर्वेबल से डेटा भेजेंगे जो कि सब्जेक्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्वेबल अपनी सर्विस में है, तो एचटीटीपी सर्विस, कीबोर्ड का आवाज ज्यादा आ रहा होगा, सस्ता सा कीबोर्ड है लेकिन इसको बाद में ठीक कर लेंगे। और अभी के लिए हम क्या यहाँ पे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं एस की अप, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं दिस डॉट एच टी टी पी सर्विस डॉट की अप सब्जेक्ट। सो बेसिकली हमारे की अप सब्जेक्ट है। अब ये की अप क्या कर सकता है, ये जो भी जब भी आएगा तो ये की अप डॉट नेक्स्ट कॉल करेगा, और इसके साथ जो आपको पता है कि जो भी डेटा भेजेगा उस इवेंट वेरिएबल में कैप्चर कर पाएंगे इवेंट। अब एक काम करते हैं, ये जो डेटा है हमें यहाँ पे भेजेगा लेकिन इसको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। अब ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, जाहिर सी बात है ऐप कंपोनेंट बनी गए हैं, अभी ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पे वापस उस सर्विस को इंजेक्ट करते हैं, यानी कि एच टी टी पी सर्विस। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है पता है दोस्तों, लेकिन हम मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा कर सकूँ। एच टी टी पी सर्विस पे गए, एक काम करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन होल्ड करेगा हमारा जो कि की अप रहेगा, क्योंकि उसको बाद में करेंगे। एक काम करते हैं, पहले जो है हम अपना कस्टम सब्सक्रिप्शन है तो हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों की अप SUBS लिख देता हूँ, जिसका टाइप रहेगा दोस्तों सब्सक्रिप्शन, ठीक है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, जब ये सब्सक्रिप्शन यानी कि यहाँ पे लेटेस्ट एंगुलर के हिसाब से हमें ये लगानी पड़ती है, अगर हमने वैल्यू नहीं दिया यानी कि हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि ये अभी कुछ नहीं है, साइन है, इसका ख्याल रखो। इफ दिस डॉट की अप SUBS, अगर ये की अप सब्सक्राइब है तो इसको अनसब्सक्राइब कर दो, राइट। ये हमने इसका ख्याल रख लिया।
अब हमारा कभी भी मेमोरी लीकिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, दिस डॉट की अब सब्सक्रिप्ट इक्वल टू हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार हम HTTP सर्विस यानी कि ऑलरेडी इस पर असाइंड है अपना, या एक काम करते दोस्तों, अगर अपना सर्विस इस पर असाइंड है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन लेट्स से कि अगर मान लीजिए अगर वेरिएबल असाइन नहीं करना है तो हम इसको ही कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे HTTP सर्विस जो है उसका सब्जेक्ट कॉल किया और एक बार सब्सक्राइब करके देखते हैं अपने को वैल्यू मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे RES कर देते हैं और यहाँ पे CLG और REST, ठीक है दोस्तों। अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या आ रहा है, उसके बाद कस्टमाइज करते हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो दोस्तों अब काम कर रहा है। अब दोस्तों कैसा है कि ये जितने बार मैं कर रहा हूँ हर एक की के, अब जैसी एक की टाइप करके जैसे ही मैं खत्म कर रहा हूँ वो एक एक उसके लिए आ रहा है, तो अपने को उसको मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये बहुत बड़ी पे कॉल होने वाली है। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों अपने को जो वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है, अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो भी कॉल होगी। यहाँ पे ए लिखता हूँ तो आया, बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ तो आया। तो आप देखोगे कि ये जो की, पहले तो हमने देख लिया जो अपना इवेंट है किस टाइप का, कीबोर्ड इवेंट, यहाँ पे पता चल गया यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है दोस्तों किस टाइप का रहेगा, जो हम यहाँ पे की सब्जेक्ट बना हमारा कीबोर्ड इवेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यही काम हम करते हैं यहाँ पे भी, जो अपना ये है इसका टाइप है कीबोर्ड, ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने जस्ट पता बताना चाहा था ना आपको। अब यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ दोस्तों, तो आप देखोगे कि ये इवन दो मैं ABC लिखता हूँ या फिर जो डी लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मेरा टारगेट है, इस टारगेट के अंदर जो बहुत नीचे जाऊंगा जाते जाऊंगा, और एकदम सीढ़ी पकड़ लिया मैं नीचे जाने के लिए, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ABCD आ रही है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो भी लास्ट टाइप है वहां से शुरू से लेके वहां तक, शुरू से लेके वहां तक वैल्यू आती है। अब दोस्तों लेकिन ये ना अब बार बार आ रही है, जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो उतनी बार एक एक कॉल जाएगी, उसको हमें सही करना है। तो दोस्तों यहाँ से आता है हमारा एंगुलर का जो भी कॉन्सेप्ट है, और इसको हम फिक्स कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है दोस्तों ये अपना कीबोर्ड सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ अगर पाइप लगाते हैं तो इसके अंदर जो भी अपने हायर ऑर्डर फंक्शन है RxJS जो हमें प्रोवाइड करते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैप यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि अपना टाइम आएगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो है हमें जो भी अपना इनपुट आ रही है हर एक कीबोर्ड के लिए उसका जो टारगेट है उसका वैल्यू चाहिए, तो मैप का यही काम है दोस्तों, वो मैप कर देगा जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी आपको डेटा इनपुट दे रहे हो उसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट दे देगा। तो हमें मान लो ये अपनी जो इवेंट है ये एनी दे दी अभी के लिए, और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, स्पेलिंग सही लिखने की कोशिश। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ई डॉट टारगेट, ठीक है, हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। सो यहाँ पे एनी आ रही है, ठीक है दोस्तों। अभी ये हम अभी जो है अभी अगर कुछ टाइप करते हैं तो सीधा वैल्यू आएगी, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी कुछ क्लियर करे तो वैल्यू नहीं आए, ठीक है दोस्तों, ये चीज। तो हमें इसके लिए दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, वो बाद में हैंडल करते हैं। पहले अगर हमने कुछ टाइप किया दोस्तों और हमने हटाया तो ये आती है, तो ये जो ब्लैंक डेटा आ रहा है उसको हमें फिल्टर करनी है दोस्तों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ताकि अपनी API कॉल ब्लैंक डेटा पे भी नहीं जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों फिल्टर, और जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि एक बूलियन लेगा, ठीक है दोस्तों। ये बस इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आपका डेटा ये फिल्टर फंक्शन आपको पता है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन ये दे रहे हैं कि अगर फिल्टर ट्रू है तो आगे जाने दो, मतलब फिल्टर सही काम किया यानी कि डेटा जो भी है अगर त्रुटि है तो आगे जाने दो, और नहीं तो आगे मत जाने दो, इसका इतना ही काम है अभी के लिए दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो सही आता है, वो रिपीट हो रहा है उसको सही करेंगे, लेकिन मैं उसको अगर हटा देता हूँ तो नीचे कुछ नहीं आता, पहले दोस्तों वही आता था। अगर मैं इसको वही हटा दूँ तो आप देख लेते हैं ब्लैंक स्पेस आ रहा है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं, हम चाहते हैं दोस्तों कि अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ और उसके बाद रुकूँ, उसके बाद डेटा आए, अगर मैं रोहित लिख दूँ तो रोहित पूरा ना आए, जब मैं रोहित लिख दूँ तो आए, उसके लिए आता है डिबाउंस टाइम दोस्तों, यानी कि डिबाउंस टाइम यानी कि कितने देर तक रुकना है, बेसिकली जितना ड्यूरेशन देना है दोस्तों। हम यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ 5 सेकेंड के लिए, 500 मिली सेकेंड के लिए, यानी कि 1 सेकेंड का हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे रोहित लिख दूँ तो रोहित आ जाएगा। अब आप देखोगे दोस्तों एक बार में नहीं आता, लेकिन हाँ अगर मैं बहुत स्लोली टाइप करूंगा और 5 सेकेंड 500 मिली सेकेंड का डिले यानी कि सेकेंड का हाफ अगर पूरा हो जाता है तो उसका डेटा आ जाएगा। अगर मैं देखो रुक गया दोस्तों फिर मैं टाइप करता हूँ तो भी आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर मेरा डिले एक्सीड हो जाता है तो वो फिर वो डेटा भेज देता है।
अगर उसी डील अगर वही टाइम के अंदर मैं टाइप करते रहता हूँ तो नीचे डेटा नहीं जाने देता है, ठीक है। तो इसके लिए डिबाउंस टाइम। अब आते हैं डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज्ड। अगर जब तक कुछ अगर हमने अब ये की यूज करे दोस्तों, हो सकता है कि मैंने एक ही चीज बार बार टाइप किया, जैसे आर मैंने यूज किया आर आर, तो ये दोस्तों आ रहा है। अगर मैं कर रहा आर 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 आर, तो दोस्तों जो अगर मेरा सेम ऑब्जर्वेबल है और मेरा और जो नेक्स्ट फेज में अगर सेम वेरिएबल आ रहा है तो वो आने नहीं देगा दोस्तों। इसके लिए हमने ये किया है। और ये जो बेसिकली है, एक आप यहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो कंपैरिजन करता है अपना लास्ट रिजल्ट और जो करंट रिजल्ट है उसके ऊपर, यानी कि एमिटेड के ऊपर, और जो उसमें से यूनिक डिस्टिंक्ट है वही भेजता है। अब हम जाएंगे दोस्तों, एक काम करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अपने को डेटा मिल रहा है कि नहीं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, हमने देख लिया था वैसे सही से। अगर मैंने सर्च करा अवतार तो ये काम कर रहा है दोस्तों, यानी कि अब हमें एपीआई देने की जरूरत है और सिंपल सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ अब ये सही काम कर रहा है। अब अपना नेक्स्ट काम क्या है, अपने एपीआई कॉल करना है। तो अगर मैं अवतार टाइप करता हूँ आ जाता है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो फिर कुछ नहीं आती, जाहिर सी बात है। जो हमें यही चाहिए था, जो बुलियन काम कर रहा है फिल्टर में, और यहाँ पे रोहित लिखता हूँ तो फिर आ जाती है रोहित। अब हमें एपीआई कॉल करनी है, जाहिर सी बात है। हम क्या चाहते हैं दोस्तों, जब भी हम हमेशा चाहते हैं कि जो हमेशा लेटेस्ट सर्च पे जो भी लेटेस्ट मेरा ऑब्जर्वेबल हो उस पे नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो, यानी कि जो भी लास्ट लेट से अगर मैं रोहित लिखा, फिर से मोहित लिखा, फिर से अगर रोहित लिखा, तो जो मेरा सबसे लास्ट है वो वही आए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, स्विच मैप। ये क्या करेगा दोस्तों, लेट से कि मैंने एक पहले मैं टाइप कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे आएगा सर्च, और फिर दोस्तों ये जो है दिस डॉट एच टी टी पी सर्विस कॉल किया हमने पेज मूवर्स, और इसके अंदर हम सर्च भेज देंगे बिना सोचे समझे। दोस्तों ये क्या करेगा, जैसे कि आपने अवतार टाइप किया और तुरंत आपने हटा के फिर अगर लेट्स से एवेंजर्स टाइप करते हो या आयरन मैन टाइप करते हो, तो ये जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन उसको कैंसिल कर देगा, और ये जो है जो सबसे लेटेस्ट वाला वही करेगा। अगर यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं रोहित टाइप करता हूँ ये करता है, और मैं यहाँ पे मोहित टाइप करता हूँ, तो दोस्तों आप देखोगे उसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो भेजा, यानी कि हमेशा आपको लेटेस्ट रिजल्ट मिलने वाली है, इससे ये पता चलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्विच मैप यूज किया है। अब नेक्स्ट बात है, हमारा डेटा आएगा। अगर आप मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आयरन मैन, टाइप स्पेलिंग आयरन मैन दोस्तों, 5 मिलीसेकंड, इसलिए दोस्तों जल्दी हो गया और जल्दी गया नेटवर्क रिक्वेस्ट, और इसका आप देखोगे रिजल्ट जो है नहीं आ रहा है। और इसका क्या है, मैक्सिमम यूसेज 102 पर। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने अपनी एपीआई की लिमिटेशन पार करके कर दी है, और मुझे एक नई एपीआई की चाहिए तभी मैं इसको रन कर पाऊंगा। तो मैं जल्दी से एक नई एपीआई की बना ली, और दोस्तों मैंने अपनी एपीआई की बना ली है। मैंने अलग से बनाया ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले फाइल में, यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूंगा नए वाले से, और वापस इसमें जाऊंगा वापस रिप्लेस करूंगा नए वाले से। दोस्तों मैं अगर कॉल करता हूँ तो ये नाटक नहीं करेगा, अगर मैं आयरन मैन सर्च करता हूँ तो लेके आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये देखोगे प्रीव्यू में थोड़ा वेट, अभी देखो दोस्तों अपने रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, यानी कि अब हम यूज कर सकते हैं। अब बस लिमिट 102 ही आएगी इससे। अब हम क्या करेंगे, अपनी लिमिट एक्सीड ना करके मतलब एपीआई की हम इस पर काम करेंगे। तो अपना काम सही चल रहा है, अभी हमें क्या करना है, बस डेटा रेंडरिंग करनी है। तो उससे पहले हम जल्दी से क्या करेंगे दोस्तों, डेटा रेंडरिंग काम शुरू करेंगे। अभी हमारे पास एक ही काम है दोस्तों, जो कि डेटा रेंडरिंग का काम है। ये डेटा रेंडर हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमें फेक इमेजेस यानी कि जो स्टैटिक इमेजेस है उसको हम हटाएंगे और हम इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट कैप्चर करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे जो है सिंपल सा सब्सक्राइब मेथड का जो ये इसको क्लियर करेंगे। इसको एक काम करते हैं दोस्तों, थोड़ा न्यू वे में इसको लिखते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगी, आर ई एस यू एन आर यू, रिस्पॉन्स ही हो गया था। रिस्पॉन्स आएगी दोस्तों जो कि अभी के लिए नहीं और हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका क्या टाइप है पता लेकिन लिखना नहीं चाहता। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्या आएगा, मेरा नेक्स्ट आएगा मेरा दोस्तों, और बेसिकली एक थोड़ा रॉन्ग सिंटेक्स दिखा रहा है, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। अभी ये सही है, बिल्कुल जैसे प्लेन ऑब्जर्वेबल में करते हैं वैसे करना है। सो नेक्स्ट हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये क्या आएगा, एरर आएगी, और फिर यहाँ पे है जो एक फंक्शन, और बस इसके बाद अब इसको हम करने वाले। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो जैसे कि हमारे जो रिजल्ट आया था, जो डेटा आई थी वो रिस्पॉन्स के रिजल्ट में आई थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले के वेरिएबल बनाएंगे,
जो कि ऑलरेडी बना चुका है हमें स्केलेटन एरे। यहाँ पे हम बना लेते हैं दोस्तों, इसका नाम रखते हैं सर्च रिजल्ट्स। और ये दोस्तों हमारा ये एरे है, इसका टाइप अभी के लिए एनी रखते हैं, जो कि इसका एरे टाइप का वैल्यू कंटेन करेगा। और हमारा सबसे पहला काम क्या दोस्तों, अगर एफ रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा लेंगे। तो यानी कि और उसके बाद उसका लेंथ अगर है तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो पहले अगर ये हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए वो चेक लगा लिया है। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पे हम जो दिस डॉट सर्च रिजल्ट हमने कॉपी किया ऊपर से, इस पे अपने को रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है यहाँ से स्पेलिंग रॉन्ग है, मैंने पेस्ट किया और सही काम कर रहा। अब क्या दोस्तों, नीचे जाएंगे वापस और फिर हम क्या करेंगे, अगर लेट से कि अगर रिजल्ट एम्प्टी है तो हमें क्या, जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे, तीनों में से कोई एक यूज करना है। अगर स्केलेटन जब चले, अगर एपीआई कॉल हो रही तो स्केलेटन चलेगी, अगर एपीआई का डेटा आ जाए तो रिजल्ट, और नहीं मिला तो एप नॉट फाउंड। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है दिस डॉट नॉट फाउंड करके एक वेरिएबल बना लिया, और हमने इसको क्या लिखा, ट्रू लिखा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ये वेरिएबल रहेगी, ये क्या रहेगी दोस्तों, फॉल्स रहेगी, ठीक है। यानी कि जब नहीं मिला कुछ, एरे एम्प्टी है तो ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स। लेकिन हाँ दोस्तों, फिर ये कैसा होगा कि लेट्स से अगर डेटा अभी नॉट फाउंड ट्रू है, और ये जब चलेगी तो नॉट फाउंड भी ट्रू, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो नॉट फाउंड ट्रू रहेगी दोस्तों, यानी कि नॉट फाउंड वाला भी दिखेगा और फिर हमारा ये भी दिखेगा, रिजल्ट भी दिखेगा। तो यहाँ पे ना फॉल्स कर देते हैं, ताकि नीचे जब वापस इनिशलाइज फॉल्स हो जाए, ताकि हमारा जो नॉट फाउंड वाला प्रीवियस है वो चला जाए। उसके बाद दोस्तों ये हो गया है। उसके बाद हमें साथ ही साथ चाहिए लोडिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि जब हमें डेटा मिल जाए तो हमें क्या करना है, लोडिंग फॉल्स करना है और ट्रू करना है। पहले जब मिल जाए तो फॉल्स करना है, जब नहीं मिला और जब एपीआई चल रही है तो ट्रू करना है दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, शुरू में ही बस हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इस लोडिंग करके, जो कि बताएगा कि क्या डेटा लोडिंग प्रोग्रेस में है। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा दोस्तों, सिंपल सा। और ये जब डेटा मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट में वैसे भी जब जाएगा, तो दिस डॉट इज लोडिंग जो है फॉल्स हो जाएगी, और हमारी अगर कोई एरर आती है उस केस में भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इस केस में जो फॉल्स होना, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर एरर आ गया तो हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक एरर प्रिंट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नॉन रिस्पॉन्स यहाँ पे ये हो चुका है। अब एक चीज़ हमें और चीज़ करनी है, ये करनी है कि ये जो लोडिंग है इसको यूज़ करना है और नॉट फाउंड को यूज़ करना है। ये कब होनी चाहिए, यहाँ पे हम स्टार NGF लगा लेते हैं दोस्तों। ये कब, इस लोडिंग जब चले, इस लोडिंग जब ट्रू हो, यानी कि जब लोड हो रहा तो ही ये चलना चाहिए स्केलेटन। और ये जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट यहाँ पे है, और ऐप डेटा फाउंड जो है, जब रिजल्ट में कैसा है दोस्तों, अगर कुछ नहीं आएगा तो उसमें कुछ प्रिंटर नहीं होगा। उस केस में हमारा बस डी प्रिंटर, ये कंप्लीट कुछ भी नहीं आएगा, इस पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन हम नॉट फाउंड पे हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे NGF वापस लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे नॉट फाउंड वाली लगा देंगे। यहाँ पे ऊपर से ये काम करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो है, अभी आप देखोगे बाय डिफॉल्ट आ रही है, अब तो डेटा आना चाहिए। एक बार डेटा देख लेते क्या आ रहा है दोस्तों। अगर मैं आयरन मैन सर्च करूँ, ये जो प्रोग्रेस है अभी पेंडिंग में, अब तक ये स्टेटस पेंडिंग, यानी कि लूटर चलना चाहिए था, और वो हम शुरू करेंगे कि हमने बस अभी के लिए क्या किया, जब रिजल्ट आ जाए तो ही अपना लूटर फॉल्स हो। लेकिन हमें कैसा है, लोडर कहीं ना कहीं ट्रू करना पड़ेगा तो चलेगी। और दोस्तों इसका रिजल्ट आने में टाइम लग रहा है, मेरा नेटवर्क खत्म हो गया ऐसा लगता है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा वेट कर लेते हैं या फिर काम करते हैं। हाँ, रिजल्ट आ गया दोस्तों, फाइनली गरीब के घर में उजाला। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अपने को डिस्क्रिप्शन मिल रही है, नीचे आईडी मिल रही है, इमेज मिल रही है, टाइटल मिल रही है। तो काम करते हैं दोस्तों, आईडी इमेज टाइटल ये यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें पता चल गया डेटा हमारा क्या मिलने वाला है, जो ये जो है इसको बाइंड करते हैं इमेज, ठीक है दोस्तों। सो ये जो है इमेज आएगी यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे मूवी डॉट इमेज, यहाँ पे मैं मूवी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बाइंड कर देता हूँ आईडी को, ताकि लेट से अगर फ्यूचर में कुछ यूज करना पड़े हटाने के लिए, तो आईडी। और दोस्तों यहाँ पे अल्ट में जो है इसको बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है टाइटल आना चाहिए, टाइटल ही दिखाना सही रहेगा। इसको बेल्ट को बाइंड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मूवी डॉट टाइटल।
सो ये दोस्तों अपना हो चुका है, और ये जब डेटा आएगा तभी रेंडर करेगा, इसलिए इसमें इफ लगाने की कंडीशन जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अपना ये बन चुका है। अब दोस्तों आपने देखा जब हम सर्च कर रहे हैं तो अपना लोडर नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं इसको मैनेज करना है। तो एक काम करते हैं, हमारा लोडर तभी चलना चाहिए जब सब चीज़ सही हो, यानी कि यहाँ पे हमें सब चीज़ सही मिलने वाला है, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं। तो हम यहाँ पे टैप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसमें कुछ हमें करना नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा, बस दो ही काम करूंगा, दिस डॉट इज लोडिंग जो है ट्रू कर दूंगा, जब हमने कुछ सर्च किया तो हाँ नेक्स्ट एपीआई कॉल होने वाले इसलिए लोडिंग ट्रू। और दूसरा हम क्या करेंगे, सर्च स्ट्रिंग जो है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हमने बनाया नहीं है, तो अभी के लिए हम जो यहाँ पे एस टी आर अपने को मिलेगी जो कि टारगेट वैल्यू से मिल रही है, ये सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अपने को दिखाना है। ये शुरू में ब्लैंक रखते हैं दोस्तों, और ये स्ट्रिंग रहेगी, यानी अब इतना अभी तो बुरा काम नहीं करना। अब ये जो है दोस्तों ये स्विच मैप है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा छूट गया था। अब हमने क्या किया दोस्तों, जो हम सर्च करेंगे तब लोडर ट्रू, और जो हमने सर्च किया उसको भी दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे हमें ये दिखानी पड़ेगी ऐसे, सो ये सर्च स्ट्रिंग आ गई, और ये जो है तभी दिखनी चाहिए जब हमारा कर्व जब कुछ सर्च में है, नहीं तो ऐसे हमेशा दिखाएगा सर्च को, ये फिर ब्लैंक आएगा। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों, अब थोड़ा परफेक्टली फाइन काम करेगा। अनडिफाइंड के आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एरे एम्प्टी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, इसने रेंडरिंग कर दी है। ओके ये जो है दोस्तों अपना रेंडरिंग कर रहा है, एक काम करना पड़ेगा, उसको स्टिक करनी पड़ेगी, एप्स रिजल्ट में जाते हैं, और यहाँ पे शुरू में हमने डेटा रखा है उसको ब्लैंक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए मैं खुद ही खो गया दोस्तों, यहाँ पे जो है एप्स रिजल्ट में जाएंगे, हमने जो डेटा रखा है उसको एम्प्टी करेंगे, और हम क्या करेंगे मूवीज को डेटा कहीं ना कहीं से पास करनी पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे एक काम करते हैं, ये जो है ये मूवीज को हम इनपुट बना देंगे। और सॉरी दोस्तों ब्लेंडर मिस्टेक हैपेंड। उसके बाद दोस्तों ये जो मूवीज है दोस्तों मूवीज मेरी मूवीज इसको बनाते हैं इनपुट टाइप दोस्तों, क्योंकि ये बाहर से डेटा लेगा। सो दोस्तों मैंने इनपुट बनाया, ये मूवीज अब बाहर से डेटा ले सकता है। उसके बाद ये मूवीज, बट इसको देने वाला कोई रहना चाहिए, तो देने वाला कौन है दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा सर्च रिजल्ट है दोस्तों ये डेटा देगा। सो ये 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट टीएस में आप जाओगे तो यहाँ पे हम डेटा साइन कर रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही काम करना चाहिए। अब मैंने सर्च किया आयरन मैन, सर्च रिजल्ट फॉर आयरन मैन, ये ठीक है। अब देखो दोस्तों अब काम कर रहा है, अगर मैं सर्च करूँ एवेंजर्स दोस्तों, ये देखिए ये मजाक हो गया। फिर से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं सर्च करूँ वापस आयरन मैन, तो ये रिजल्ट रहती है और ये दिखने लगती है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, रिजल्ट को क्लियर करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, कब दोस्तों जब हमारा नेक्स्ट वाले में रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब रिजल्ट आए तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे और इसको असाइन करेंगे। और दोस्तों ये जो है ये जब सर्च हो तो भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट ट्रू, और यहाँ पे जब कर रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं। अभी देखते हैं दोस्तों, अगर मैं सर्च करूँ आयरन मैन, नहीं करने दिया बदमाश, आयरन मैन, और भाई आयरन मैन, आयरन मैन आ गया दोस्तों, यहाँ पे सही हुआ। पहला देखे आपने दोस्तों, तुरंत मैंने जब वापस नेक्स्ट ऑफ रिजल्ट दिया तो उसने पुराने वाले कैंसिल किया और नए वाले को एक्सिक्यूट किया, ये स्विच मैप का खासियत। अब मैं देता हूँ एवेंजर्स, अब दोस्तों ये बेस्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन जिसपे कि हमने आज काम किया, और हमने एक मतलब एक रनिंग प्रोजेक्ट बना लिया यूजिंग एंगुलर। तो दोस्तों अभी मैं कुछ क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी आंखों में आंसू हैं क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट का हो गया है। आई होप आपको कुछ फायदा हुआ होगा, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं मतलब अपने हिसाब से टारगेट क्या रखे, अभी तो कुछ घंटा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों बस अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़िंदगी का ख्याल रखे, बाकियों का ख्याल ज़िंदगी रख लेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।